राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी, और संसद में मैंने यह बात कही थी। नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर हैं, ये बेल पर हैं, क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया, यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है, बाकी स्वर्गीय जो 36 नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए, और पूरा नेशनल का शेयर खरीद लिया। मामा कोतरोगी को किसने बचाया? राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में, आपकी सरकार ने बताया, क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था, उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया। ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G, राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है, और आपकी सरकार में जब घोटाले हुए, और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं। तो राहुल गांधी जी, आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आप बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ईमानदारी से देश का काम चलता है। आज राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर फिर कुछ बोला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बेबुनियाद बातें फिर कही थी, बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के। वो झूठ कैसे बोले, मैंने अभी आपको उसका प्रमाण दे दिया। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुए भी नहीं है। आज राहुल गांधी जी अडानी पर बहुत बोले हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में कुछ बातें हम अडानी प्रकरण के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ में बताना चाहते हैं। 2004 से किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार। किसके खंभे पर खड़ी थी? राहुल गांधी के खंभे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियों कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे राहुल गांधी की? आप गए थे। 2010 में यूपीए रूल में कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? 2010 में यूपीए रूल में अडानी ने 1.6 बिलियन डील डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था, और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गदली माइन अबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था, तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। तो आपके यहां कैसे राजस्थान में 65,000 करोड़ अडानी लगा रहे हैं आपकी सरकार में, ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। याद करिए, राफेल के मामले में चौकीदार चोर कहा था ना, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तो उन्हें माफी मांगा, और 10 साल तक भारत के वायुसेना के लिए मारक हवाई जहाज वायुसेना के बार बार कहने के बावजूद नहीं दिया गया, क्योंकि कट और कमीशन नहीं मिला था। बाद में मोदी जी आए तो पहले साल में ही आज राफेल गर्जना करता हुआ भारत को सुरक्षित रख रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है। तो कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी का 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे महान शक्तिशाली नेता के बारे में इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणी करते हैं, जिसके कारण दुनिया भारत में, भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, जिसकी
जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो देश के 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिसकी राज में गरीब खुश है, देश सुरक्षित है और भारत विकासशील विकसित भी हो रहा है। तो समस्या मित्रों, अंतिम बात मैं कहूंगा क्या है, राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो संजय बाबू, उनको वोट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करें, अभी आप ही बता दीजिए, क्या हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांगे? बार बार जाते हैं, हार जाते हैं, मुश्किल से हिमाचल में निकल पाए, 14 हारे, 19 हारे, अभी मेघालय हारे, त्रिपुरा हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक भी हारेंगे और 24 में देश भी हारेंगे। राहुल गांधी ये नहीं समझते कि देश आज कांग्रेस पार्टी की नीति से उब चुका है। तो अब क्या बोलते हैं, मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। संजय बाबू पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हमें लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। आज फिर उन्होंने श्रीलंका की बात कही है, श्रीलंका ने पूरे अडानी प्रकरण पर जवाब दे दिया, मेरे पास सारे उनके ट्वीट्स हैं राष्ट्रपति के सबके, ये बिल्कुल गलत बात है। तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना, बस एक ही है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती, समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा, इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा, जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ।